If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज हाउ टू फाइंड रिसर्च इंटर्नशिप्स तो मैं पहले बहुत सारा वीडियो बनाया था हमारे चैनल पे कि रिसर्च इंटर्नशिप क्या है ये रिसर्च इंटर्नशिप क्यों करना चाहिए रिसर्च के लिए एंड एकेडेमिक फील्ड में रिसर्च इंटर्नशिप का इंपॉर्टेंट क्या क्या है तो so, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करता था कि हमें पता चल गया कि रिसर्च इंटर्नशिप क्यों करना चाहिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है लेकिन कहाँ से मिलेगा रिसर्च इंटर्नशिप तो इसके बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा तो उससे पहले जो जो स्टूडेंट्स ये वीडियो मतलब देख रहे हैं उसको फ्रेंड के साथ भी शेयर करो ताकि तुम्हारा फ्रेंड को भी ये सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स पता चले एंड तुम्हारा फ्रेंड को भी हेल्प हो जाए ठीक है तो इंस्टीट्यूट सॉरी इंटर्नशिप चूज करने के पहले तुम्हें तुम्हारा ड्रीम इंस्टीट्यूट पहले चूज कर लेना चाहिए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि मैं हाइजार से रिसर्च इंटर्नशिप करना चाहता हूँ किसी का होता है आई से करना चाहता हूँ किसी का एनआईटी से किसी का आई से किसी का टी से तो जिसका जहाँ पर इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे एक लिस्ट बना लो मोर देन वन इंस्टीट्यूट होना चाहिए मतलब एटलीस्ट फोर फाइव इंस्टीट्यूट का एक ड्रीम इंस्टीट्यूट का लिस्ट बना लो कि ये जो 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 इंस्टीट्यूट्स है यहाँ से मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ तो वो होने के बाद तुम्हारा प्रोसीड्योर नेक्स्ट जो मैं चार पॉइंट के ऊपर डिस्कस करूंगा ये जो प्रोसीड्योर कैसे रिसर्च इंटर्नशिप ढूंढना है तो बहुत ईजी हो जाएगा ठीक है क्योंकि तुम पहले स्पेसिफाई कर रहे हो कि ये जो जो टॉप इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट कर लिया ड्रीम इंस्टीट्यूट में सिलेक्ट कर लिया इसके अंदर करना है उसके बाद फर्दर जो जो मैं स्टेप बताऊंगा उसके वन बाय वन तुम्हें फॉलो करना चाहिए उसके बेसिस पे तुम्हें इंटर्नशिप एटलीस्ट मिल जाएगा मतलब तुम्हारा ड्रीम इंस्टीट्यूट से तो फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर करना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो देखो जनरली इंटर्नशिप जो होता है टू टाइप्स का होता है एक होता है समर इंटर्नशिप एक होता है विंटर इंटर्नशिप तो समर जो इंटर्नशिप होता है ये जनरली होता है अप्रैल मई जून जुलाई ये जो चार मंथ है इसके गैप में होता है मतलब ये ड्यूरेशन होता है अप्रैल टू जुलाई मंथ तक जो ज, मतलब ऑटम से ऑटम सेमिस्टर में ठीक है एंड जो विंटर इंटर्नशिप होता है ये जनरली होता है दिसंबर जनवरी फेबर ये जो तीन चार मंथ होता है में पर होता है तो जनरली समर इंटर्नशिप और विंटर इंटर्नशिप सेम होता है जस्ट समर में होता है एक विंटर एक में होता है इसका जो जनरली ड्यूरेशन होता है टू मंथ्स जनरली होता है मंथ्स मंथ्स कभी कभी होता है एंड एक्सटेंड करके सिक्स मंथ तक भी जा सकता है बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होता है जहां पर इंटर्नशिप करने के बाद तुम्हें बहुत मतलब ट्वेंटी थाउजेंड थाउजेंड ऐसे अमाउंट वैसा भी देता है पर मंथ ठीक है एंड कहीं अभी तो बहुत सारे इंटर्नशिप होते हैं ऑनलाइन होता है क्योंकि कोविड के लिए जो ऑफलाइन होता है तो पैसा मिलेगा ऑनलाइन होता है तो पैसा नहीं मिलेगा ठीक है तो मैं यहाँ पर चार पॉइंट के ऊपर डिस्कस करूंगा कि कैसे तुम्हें रिसर्च इंटर्नशिप ढूंढना है टॉप तुम्हारा जो ड्रीम इंस्टीट्यूट में फर्स्ट जो वेरी बेसिक थ्रू ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो बहुत सारा इंस्टीट्यूट होता है सपोज तुम चार पांच इंस्टीट्यूट चूज कर लिया सपोज तुम

इन ए वीक मतलब एक हफ्ते के अंदर एटलीस्ट एक, एक बार चेक करना चाहिए तुम्हारा जो जो ड्रीम इंस्टीट्यूट का लिस्ट मैं पहले बताया कि ड्रीम इंस्टीट्यूट का पहले लिस्ट बना लो उसके बेसिस पे ढूंढना है तो वो ड्रीम इंस्टीट्यूट का वेबसाइट जाके इन ए वीक वन टाइम मतलब एक वीक में एक बार जाके तुम्हें चेक करना चाहिए ऑफिसल नोटिफिकेशन की नोटिफिकेशन आया कि नहीं रिसर्च इंटर्नशिप के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए तो उसके बेसिस पे आया तो फिर अप्लाई कर सकते हो ठीक है ये हो गया फर्स्ट पॉइंट जहां पर तुम्हारा जैसा हो किसी का आई टी सकता है किसी का एनआईटी हो सकता है किसी का आईजार हो सकता है उसके बेसिस पे तुम वेबसाइट फॉलो करना एंड अप्लाई करना यह फर्स्ट पॉइंट वेरी बेड सेकंड प्रोसेस इज कोल्ड ईमेलिंग कोल्ड ईमेलिंग मींस कोई भी अनजान प्रोफेसर को तुम्हारे इंटरेस्ट के वाइज ईमेल करना जहाँ पर तुम बता बताओगे कि मैं आपके फील्ड के वाइज मैं देखा कि सारे रिसर्च फील्ड आपका देखा इसके बाद मैं तुम्हारा आप मेरा जो रिसर्च इंटरेस्ट है आपके साथ मैच करते हैं तो आपके ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद मैं ये जो आपका ग्रुप और भी इम्प्रूव कर सकता हूँ आपके ग्रुप के साथ काम करके उसका और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दे सकता हूँ ऐसे तुम मेल लिख सकते हो ठीक है जैसे सपोज कोई भी एक इंस्टीट्यूट सपोज आई एस सी बैंगलोर में जाके मतलब ऑफिसियल वेबसाइट में जाके तुम चेक करो पहले सपोज तुम्हारा इंटरेस्ट है क्वांटम डॉट ओके तो क्वांटम डॉट रिलेटेड कितना प्रोफेसर है सपोज वहां पर दो तीन प्रोफेसर है तो दो तीन प्रोफेसर को तुम मेल लिख सकते हो जिसके साथ तुम्हें अटैच करना होगा तुम्हारा सी बी तुम्हारा सी बी या फिर रिज्यूम है उसके साथ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रिसर्ट अप या फिर रिसर्च प्रपोजल ये सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स तुम्हारे मेल के साथ अटैच करके एक अच्छे से मेल लिखना पड़ेगा ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया मेल में डियर सर और मैडम ऐसे करके लिख दिया मैं ये ये काम करना चाहता हूँ तो इसके अंदर आपके पास ज्वाइन करना चाहता हूँ ऐसे ऐसे करके मत लिखो अच्छे से मेल लिखो जो जो एक्सपीरियंसड है उन उसके पास जाओ अच्छे से मेल लिखो फिर सेंड करो अदरवाइज इग्नोर कर देगा प्रोफेसर ठीक है मेल अच्छे से लिखना चाहिए जैसे तुम्हारा कुछ तुम्हारा कुछ गाइड है या फिर कॉलेज का कोई प्रोफेसर है उसके पास जाके करेक्शन करवाओ उसके बाद ही मेल सेंड करो ठीक है तो अच्छा होगा अदरवाइज ऐसे कुछ भी लिख के सेंड कर दोगे तो इग्नोर कर देगा प्रोफेसर क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा दिन में अराउंड हंड्रेड के आसपास मेल आता है जो जो टॉप प्रोफेसर होता है ठीक है तो मेल इग्नोर कर देगा तुम अप्लाई किया तो बस गया भार में ठीक है तो इसलिए क्या करना चाहिए जो जो मेल लिखोगे अच्छे से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ऐसे है कि पहले पेज में लिखो अच्छे से ठीक है उसके बाद उसको मेल के बॉडी में जाके तुम जस्ट टाइप करो ओके तो मेल लिखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हें चूज मतलब लिखना है पहले तुम्हारा इंट्रोडक्शन शॉर्ट करके उसके बाद तुम कौन सा फील्ड में इंटरेस्टेड हो उसके बाद ये लिखना है कि मैं आपका ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि आप इस फील्ड में काम करते हो एंड मैं आपका ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपका जो रिसर्च वर्क और भी इम्प्रूव कर सकता हूँ ऐसे करके लिखना ऐसे नहीं कि आपके पास ज्वाइन करना चाहता हूँ काम सीखना चाहता हूँ ऐसे नहीं तुम पहले से ही उसके फील्ड के बारे में पहले से ही रिसर्च करना चाह होगा तुम्हें उसके बाद मेल के अंदर ही कुछ ऐसे सेंटेंस लिखना है कि प्रोफेसर को देख के पता लगे कि हाँ ये इसे इसका फील्ड में मतलब ये जो फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं इस फील्ड में पहले ही थोड़ा बहुत इंटरनेट या फिर लिटरेचर सर्वे कर लिया उसके बाद ही अप्लाई कर रहा है तो इनको मैं ले सकता हूँ अदरवाइज तुम ऐसे लिखोगे कि मैं आप ये फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ आप भी ये फील्ड में काम करते हो तो मैं आपके अंडर काम करना चाहता हूँ ऐसे लिखोगे तो कुछ नहीं होगा मतलब रिस्पॉन्स ज्यादा नहीं आएगा इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हो कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ इसमें मैं काम थोड़ा बहुत सीखा एंड आप भी एक फील्ड में काम करते हो तो मैं आपका ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ये ग्रुप को और भी मतलब इंप्रूवमेंट दे सकता हूँ ऐसे करके तुम लिख सकते हो ठीक है तो ये हो गया सेकंड प्रोसेस इज कोल्ड ईमेलिंग थर्ड प्रोसेस मैं जो डिस्कस करूंगा लिंगड और ट्विटर के थ्रू तो जो जो प्रोफेसर्स है ठीक है मेनली जो जो प्रोफेसर और रिसर्च ग्रुप्स है जिसके अंडर तुम काम करना चाहते हो उसका एक लिंकड प्रोफाइल रहेगा और एक ट्विटर अकाउंट रहेगा ये जो ऑफिशियली होता है जो बहुत ही मतलब प्रोफेशनल तरीके से बनाते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफेशनल नहीं होता ठीक है मार लेना रिसर्च और एकेडमिक के लिए सबसे रिसर्च और एकेडमिक के लिए सबसे प्रोफेशनल होता है लिंगड एंड ट्विटर तो ये जो अकाउंट्स है इसमें अकाउंट पहले बना लो एंड जो जो ग्रुप में तुम ज्वाइन करना चाहते हो वो ग्रुप में पहले से ज्वाइन कर लो उसका रिसर्च आर्टिकल वगैरह देखो एंड वहां पर नोटिफिकेशन देता है सपोज कोई भी प्रोफेसर के अंदर एक रिसर्च पोजिशन वैकेंट है या फिर रिसर्च इंटर्न एक लेना चाहते हैं तो ट्विटर और लिंकिन के थ्रू भी प्रोफेसर एक नोटिफिकेशन दे देता है कभी कभी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं होता और वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट जो इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल वेबसाइट में कभी कभी नहीं आता लेकिन प्रोफेसर खुद को चाहिए तो वो खुद का लिंकडिन प्रोफाइल या पर ट्विटर अकाउंट में जाके नोटिफिकेशन देता है तो वो तुम फॉलो करोगे तो तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि हाँ इसके थ्रू भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ तो लिंक एंड ट्विटर भी फॉलो करना चाहिए तुम्हारे इंटरेस्ट के वाइज इंट, इंस्टीट्यूट को एंड प्रोफेसर को भी तुम फॉलो कर सकते हो थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट ही थ्रू योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर तो तुम जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हो जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बीएससी एस सी एंड एमएमएसी बहुत स्टूडेंट्स के लिए तो दोनों स्टूडेंट्स जो जो बीएससी में है बीएससी कॉलेज प्रोफेसर के पास जा सकते हो एंड एमएससी है तो एमएससी का जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है उसके पास उनके पास भी जा सकते हो एंड कॉन्टैक्ट करो उन प्रोफेसर से कि आपके साथ तुम्हारा जो ड्रीम इंस्टीट्यूट सपोज किसी का आई है तो आपके साथ ये आईआईटी का प्रोफेसर का किसी का कनेक्शन है कि नहीं एनआईटीज का किसी का प्रोफेसर के साथ मतलब कनेक्शन है कि नहीं तो पहले देखो कनेक्शन है कि नहीं फिर देखो तुम्हारे साथ वो जिस जो प्रोफेसर के साथ कनेक्शन की बात कर रहे हो तुम्हारा रिसर्च इंटरेस्ट मैच कर रहे कि नहीं मैच नहीं कर रहे तो मत जाओ मैच कर रहे तो फिर तुम्हारा कॉलेज के प्रोफेसर के थ्रू उन प्रोफेसर के पास अप्लाई करो एंड तुम्हारा कॉलेज का प्रोफेसर भी हेल्प कर सकता है थ्रू ए रिकमेंडेशन अच्छे से रिकमेंडेशन दे देगा दे तो वहाँ पर जो और में जो और में प्रोफेसर रहेगा तुम्हारे कॉलेज के प्रोफेसर के थ्रू रिकमेंडेशन मिलेगा तो फिर तुम्हारा चांस बहुत ज्यादा बढ़ सकता है तो ये मैं चार पॉइंट डिस्कस किया इसके थ्रू तुम्हें रिसर्च इंटर्नशिप एटलीस्ट वन एटलीस्ट वन मिल जाएगा ठीक है तुम्हारे ड्रीम इंस्टीट्यूट से फर्स्ट हो गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू एटलीस्ट इन ए वीक वन टाइम चेक करना चाहिए सेकंड पॉइंट इज कोल्ड ईमेलिंग दैट इज कोई भी अनजान प्रोफेसर को रिसर्च इंटरेस्ट के वाइज उसके पास भी रिसर्च फील्ड ऐसे होना चाहिए जो तुम्हारे साथ मैच कर रहा है ऐसे प्रोफेसर को मेल लिखो मेल अच्छे तरीके से लिखना हो, चाहिए मैं पहले डिस्कस कर दिया मेल के साथ सी भी में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रिसर्च राइट रिसर्च प्रोपोजल जितना भी है तुम्हारे पास सब कुछ अटैच करके सेंड करो प्रोफेसर अच्छे से देखेगा इंटरेस्टेड लगेगा तो फिर तुम्हें रिटर्न बैक करेगा ऐसे नहीं कि कुछ भी भेज दिया मेल में ऐसे नहीं करेगा मतलब इग्नोर कर देगा कुछ भी लिखोगे तो ठीक है एंड थर्ड पॉइंट लिंकड इन ट्विटर जो जो इंस्टीट्यूट सपोज सी के जो ट्विटर अकाउंट है तुम उसको फॉलो कर सकते हो सी ए आइजर कोलकाता का या फिर टी आई का या फिर आई एस सी बैंगलोर का ट्विटर अकाउंट फॉलो कर सकते हो या फिर वहाँ पर जाके पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अंदर तुम्हारे फील्ड के वाइज बहुत सारा प्रोफेसर काम करते हैं उन सारे प्रोफेसर का ग्रुप भी होता है लिंक एंड ट्विटर में या फिर प्रोफेसर का खुद का अकाउंट होता है तो उनको भी फॉलो कर सकते हो कभी भी कुछ वैकेंसी आएगा तो प्रोफेसर वहाँ पर भी नोटिफिकेशन देता है तो उसके बेसिस पर भी तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर वैकेंसी है मैं अप्लाई कर सकता हूँ एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉलेज प्रोफेसर के थ्रू तो, तुम्हारा जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है उनके साथ आई किसी का प्रोफेसर का इंटरेक्शन है कि नहीं कॉन्टैक्ट है कि नहीं तो उसके बेसिस पर तुम अप्लाई कर सकते हो तो कॉलेज का प्रोफेसर तुम्हें रिकमेंडेशन करेगा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर या फिर कॉलेज का प्रोफेसर तो तुम्हें एक अच्छा चांस मिल सकता है पॉजिटिव वाइब्स मिल सकते हैं वहाँ से एंड अच्छा तुम्हारा जो ड्रीम इंस्टीट्यूट वहाँ से इंटर्नशिप कर सकते हो तो इसके बेसिस पर तुम फॉलो करो एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सी रिसर्च राइटअप कैसे लिखना है ये सारे डिटेल वीडियो भी हमारे चैनल पे मिल जाएगा ये पहले बना हुआ अदरवाइज नहीं मिलेगा मेल लिखना है एन इसके साथ ये डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करना होगा ओके तो ये चार पॉइंट के थ्रू तुम कहीं पर भी अप्लाई करोगे तो इंटर्नशिप मिल जाएगा बी से ही स्टार्ट करो इंटर्नशिप करने का एम में तो करना ही चाहिए अदरवाइज पी में जाके अच्छा इंस्टीट्यूट मिलने में प्रॉब्लम हो सकता है सपोज दो स्टूडेंट गया दोनों का ही नेट है गेट है जे आर एफ है ठीक है लेकिन एक का इंटर्नशिप है एक का इंटर्नशिप नहीं है जिसका इंटर्नशिप है उसको प्रेफरेंस ज्यादा मिल सकता है ठीक है तो इसलिए इंटर्नशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ये जो चार पॉइंट डिस्कस किया इसके बेसिस पे इंटर्नशिप ढूंढो एंड जॉइ करो सो इफ यू गेटिंग इन इन्फॉर्मेशन फ्रॉ दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि तुम्हारा फ्रेंड को भी पता चले एंड थोड़ा सा यहाँ से हेल्प मिले सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो